Hey guys, this is me, Robbie here. This is me, Azu here. So guys are back with another reaction video. So guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आजू राबी गैंग ज्वाइन कर लो. हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है, बाद में आजू राबी व्लॉग नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो. प्लीज चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. आजू राबी के तो वीडियो, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है मुंबई रैपिडली ग्रोथ सीक्रेट्स, व्हाई ओनली मुंबई गेट बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन इंडिया. तो ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिससे जो मुंबई है उसकी ग्रोथ सीक्रेट्स क्या है और एंजॉय करते हैं. रिसेंटली आप नोटिस करोगे तो मुंबई शहर में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. आज की वीडियो में हम मुंबई के इन ह्यूज इन्वेस्टमेंट और रीडेवलपमेंट के बारे में जानेंगे. आखिर क्यों किसी टीयर टू सिटीज में इन्वेस्टमेंट के बजाय ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी में इतने बड़े लेवल पे इंफ्रा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन जानने से पहले आपको मुंबई की इम्पोर्टेंस को समझना होगा. फ्रेंड्स, मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, आप सभी लोग जानते हो. ना सिर्फ इंडिया बल्कि 2008 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटीज में शामिल किया गया था. मतलब मुंबई सिर्फ एक इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड की मेजर सिटी है. अगर आप देखोगे मुंबई की वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी एक अलग पहचान है. मुंबई इंडिया की ना सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल है बल्कि एक कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है इंडिया की. ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो में मुंबई वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में लिस्टेड हो चुका है. पूरे इंडिया की जीडीपी में अकेला मुंबई 6.16% कंट्रीब्यूट करता है और वही महाराष्ट्र की टोटल जीडीपी में तो मुंबई 25-30% का कंट्रीब्यूशन करता है. पूरी कंट्री का 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड 70% मैरिटाइम ट्रेड मुंबई से होता है. अकेले मुंबई की जीडीपी उज्बेकिस्तान, पनामा, तंजानिया, श्रीलंका, नेपाल जैसी कंट्री से भी ज्यादा है. 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई पेरिस और टोरंटो से भी वेल्थियस सिटी है, जो कि वर्ल्ड की 12th वेल्थियस सिटी में आती है. मुंबई पूरे वर्ल्ड में 8th नंबर पे आती है जहाँ सबसे ज्यादा मिलियनर्स एंड बिलियनर्स रहते हैं. मुंबई में 46,000 से ज्यादा मिलियनर्स रहते हैं, वही 48 से ज्यादा बिलियनर्स यहाँ रहते हैं. पूरी कंट्री का टैक्स कलेक्शन जो होता है, जिससे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स में काम होता है, उसमें पूरे देश में अकेला 30% ऑफ इनकम टैक्स मुंबई देता है. 40% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकेला मुंबई से होता है. 100% इंडियन स्टॉक मार्केट भी मुंबई में है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. मुंबई घर है मल्टीपल यूएनएसओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जिसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी शामिल है. मुंबई वैज्ञानिक और परमाणु संस्थानों का भी घर है. हमारे देश की फर्स्ट ट्रेन भी मुंबई से चली थी. साथ ही मुंबई में देश की पहली बस सर्विस भी चलाई गई थी और मुंबई में आज भी 5 मिलियन से ज्यादा लोग बस में ट्रेवल करते हैं. दुनिया का सबसे महंगा घर भी मुंबई में है, जो कि देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर है, वो मुंबई में ही स्थित है. देश का पहला एयरपोर्ट भी मुंबई के जुहू में बनाया गया था और दो इंडिया की फर्स्ट कार ओनर भी मुंबई से थे, जो कि जमशेद जी टाटा थे. साथ ही एशिया का सबसे बड़ा स्लम और देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी मुंबई में रहती है. दोस्तों, अब कहीं ना कहीं आपको मुंबई की इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई होगी. मुंबई ना सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बल्कि मुंबई वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है. अब एक बार बिलियंस डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं जो मुंबई को मिल रही है. बाद में वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे क्यों मुंबई पे इतना पैसा लगाया जा रहा है. दोस्तों, अभी रिसेंट की बात बताऊं तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है मुंबई हार्बर में एक और नई प्लांट टाउन बनाने का, जो कि 350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा. दोस्तों, बीएमसी ने 2023 और 2024 के लिए 52,619 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बीएमसी का बजट है. साथ ही बीएमसी ने 720 करोड़ रुपए शहर के मेकओवर करने के लिए स्पेंड किया है इस साल. साथ ही बाकी पैसों से यहाँ पार्क जोर सिटी के ब्यूटिफिकेशन पर काम होगा. दोस्तों, मुंबई में ट्रैफिक की समस्या और लोकल ट्रेन पे बर्डन कम करने के लिए 1.4 लाख करोड़ की लागत से मुंबई में 14 मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जो कि 350 किलोमीटर की होगी. इनमें से काफी लाइन अभी ऑपरेशनल भी है, लेकिन जब सभी लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तब मुंबई, नवी मुंबई सभी पूरी तरह से आपस में मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे. मुंबई में 16,700 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिसको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है. और साथ ही एयरपोर्ट के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के बेस पे एरो सिटी भी बनाई जाएगी, जो कि एक एंटायर इकोसिस्टम होगा जहां ऑफिसेज, शॉप, एजुकेशनल सेंटर्स और मेडिकल फैसिलिटीज होंगी. साथ ही 23,000 करोड़ की लागत से एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी, जो कि मुंबई में है, उसको रीडेवलप किया जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो सके. साथ ही मुंबई में 17,000 करोड़ की लागत से मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक बन रहा है, जिसको शॉर्ट में MTHL के नाम से जाना जाता है. ये पूरे देश का 6th लाइन का सबसे बड़ा सी ब्रिज होने वाला
वाला है। नवी मुंबई से साउथ मुंबई जाते समय इस ब्रिज के थ्रू अच्छा खासा टाइम लोगों का बचेगा और ये प्रोजेक्ट 96% कंप्लीट भी हो चुका है। दोस्तों 1.1 लाख करोड़ की लागत से मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा जो कि इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा। दोस्तों इस बुलेट ट्रेन के आसपास जितने भी एरिया पड़ते हैं उन सब की वैल्यू इस प्रोजेक्ट से इंक्रीज होने वाली है और काफी नई हाउसिंग और टाउनशिप भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हजारों करोड़ रुपए की लागत से मुंबई के अलग अलग एरियाज में टनल, ब्रिज, फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है जिसको मुंबई को ट्रैफिक से आजादी दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12,000 करोड़ की लागत से कोस्टल रोड को रेडी किया जा रहा है। वही 1,051 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है जिसको हम सेवरी वोरली एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। 6,252 करोड़ की लागत से गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड भी इसमें शामिल है। नवी मुंबई को तो आप सब लोग जानते हो, ये लार्जेस्ट प्लान सिटी है इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन अब उससे भी एक बड़ी प्रॉपर प्लान सिटी को मुंबई के पास ही बनाया जा रहा है जिसको हम नैना स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 2,10,000 करोड़ रुपए और एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद यहाँ आराम से 80 लाख लोग रह सकते हैं। और ये उन कुछ सिटीज में से होंगी जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के चारों मोड होने वाले हैं जिसमें एयरपोर्ट, रेलवे, रोड एंड पोर्ट सभी शामिल है। दोस्तों इतना सब होने के बाद भी हमारे पूरे देश में सिर्फ दिल्ली और मुंबई दो ऐसी सिटीज है जिसको मोस्ट लिवेबल सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है वर्ल्ड लेवल पे, और वहाँ भी इनकी रैंक है 141 जो कि काफी ज्यादा है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद एटलीस्ट इंडिया की एक सिटी तो इस लिस्ट में टॉप 10 में होनी चाहिए थी या फिर कम से कम टॉप 50 में तो होनी चाहिए थी। 141 रैंक का मतलब आप समझ रहे हो, मुंबई इतनी सब चीजों में टॉप तो है लेकिन फिर भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे हम काफी पीछे हैं। साथ ही मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंक भी बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ एक मिडिल क्लास इंसान अपना घर लेने की सोच भी नहीं सकता। और इसमें मुंबई की रैंक पूरे वर्ल्ड में 147 है अकॉर्डिंग टू अवर इनकम। वैसे तो वर्ल्ड में और भी काफी कंट्री मुंबई से महंगी है लेकिन वहाँ इनकम ज्यादा है। अगर ट्रैफिक कंजेस्टेड इंडेक्स की बात करें तो यहाँ भी मुंबई के हाल बहुत बेकार है। पूरे वर्ल्ड में मुंबई का थर्ड मोस्ट कंजेस्टेड ट्रैफिक सिस्टम है। फरवरी 2023 की मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई दिल्ली को ओवरटेक करके देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गई है। दोस्तों ये सब तो हो गए डेटा की बात, अब हम बात करते हैं उन रीजंस की कि क्यों इतना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रैपिडली मुंबई पे पुट कर रही है। इसका एक पर्टिकुलर रीजन कोई भी नहीं है, इसके 5 रीजंस मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट का मुंबई में ह्यूज इन्वेस्टमेंट का रीजन नंबर 1 है टू मेक मुंबई वर्ल्ड सिटी। इंडिया के पास ह्यूज जीडीपी और बड़े बड़े शहर होने के बावजूद भी कोई भी ट्रू वर्ल्ड सिटी नहीं है, ये बात आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। जिसको वर्ल्ड लेवल पे डेवलप सिटी बोल सके ऐसा कोई भी शहर इंडिया में अभी नहीं है। मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना लाचार है आप लोग जानते हो, इसको ठीक करने के लिए रैपिडली मेट्रो का काम किया जा रहा है। लोगों को यहाँ रहने के लिए आज जगह नहीं है जिसके लिए लगातार मुंबई के आसपास नई स्मार्ट सिटी प्लान किए जा रहे हैं। मुंबई के काफी एरियाज में आज भी भारी मात्रा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया के पास कोई भी सिटी अभी तक ऐसी नहीं जिसको यूरोपियन और अमेरिकन सिटी के इक्वल हो या उससे हम कम्पीट कर सके या एटलीस्ट चाइना की किसी सिटी के हमारी कोई सिटी इक्वल हो। और मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी की लिस्ट में लाने के लिए मुंबई में हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। रीजन नंबर 2 है मुंबई होल्ड सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस फॉर इंडिया। मुंबई आज देश की सबसे बड़ी सिटी है जो ऑलरेडी काफी पैरामीटर्स पे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना चुकी है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी बताया मुंबई फाइनेंशियली और कमर्शियली कितना इंपोर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसी इंपोर्टेंस को देखते हुए ये शहर का हक है कि इसकी डेवलपमेंट कभी रुक ना पाए, जिसके लिए गवर्नमेंट रिसेंटली नए नए प्लान बनाकर सिटी को डेवलप करने, ट्रैफिक फ्री करने के लिए काम कर रही है। रीजन नंबर 3 है मुंबई इज ऑलरेडी सुपीरियर इन मेनी वेज। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट मुंबई को ग्लोबल सिटी बनाने का ट्रायल लगातार कर रही है क्योंकि किसी भी नई सिटी को सिर्फ मुंबई के इक्वल आने में सालों लग जाएंगे। एज यू नो इंडिया काफी नई सिटीज डेवलप कर रहा है लेकिन हमें वहाँ बस कुछ बिल्डिंग्स ही देखने को मिलती है जिसको वर्ल्ड तो क्या लोकल पैरामीटर पे भी सिटी कंसीडर नहीं कर सकते। बेटर यही है जो हमारी एग्जिस्टिंग सिटी है उसको बेहतर बनाया जाए। नंबर 4 पे है मुंबई इज ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। दोस्तों एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का रीजन ये भी है, आज मुंबई ओवरबर्डन है और इस ओवरबर्डन को देखते हुए गवर्नमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है मुंबई में। लेकिन मुझे ये बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मुंबई में वो काफी नहीं है वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए या बर्डन कम करने के लिए। अगर इंडिया को सच में एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनना है तो हमें अग्रेसिवली वर्क करना होगा। आज मुंबई में 13,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स है जिसको रीडेवलपमेंट की जरूरत है लेकिन वो सब किसी न किसी रीजन से अटकी हुई है। रीजन नंबर 5 है पोर्ट एंड मैरीटाइम बिजनेस। मुंबई का इन्वेस्टमेंट मिलने के पीछे एक बड़ा रीजन है मुंबई के पोर्ट्स। दोस्तों मुंबई के पोर्ट से ही इंडिया में बड़े लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। देखिए सेकंड लार्जेस्ट सिटी और देश की कैपिटल दिल्ली है लेकिन दिल्ली के पास पोर्ट नहीं है इसलिए मुंबई आज दिल्ली से कहीं ज्यादा रिच है। पोर्ट से मुंबई की अपनी वर्ल्ड में एक अलग पहचान है। बाकी दोस्तों टियर 2 सिटीज में भी आज हमारी कंट्री में काफी वर्क चल रहा है और साथ ही देश की जो इंपोर्टेंट सिटी है जैसे हैदराबाद
हैदराबाद, बेंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली, सभी सिटीज अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वर्क कर रही है, रीडेवलप कर रही है अपने आप को। लेकिन इंडिया को अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई सिटी चाहिए तो हमें और इन्वेस्टमेंट की अभी जरूरत है। तो दोस्तों, आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसा ही कॉन्टेंट और भी देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल। So guys, this was the video on Mumbai. What are the rapidly growth secrets of Mumbai? तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें बहुत ज़्यादा बताई गई बातें कि कितने मिलियनर्स, कितने थाउजेंड मिलियनर्स रहते हैं, कितने थाउजेंड बिलियनर्स रहते हैं मुंबई में। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इधर हैं यूनेस्को की। फिर इनकी जो क्या GDP बहुत ज़्यादा इनकी है, बहुत सी कंट्रीज से ज़्यादा इनकी, श्रीलंका और बहुत सी कंट्रीज होता है जिनकी जिनकी खाली मुंबई सिटी की GDP ज़्यादा है उससे। और यहाँ पर जो एक है कि मोर देन 50 मिलियन आई गेस बताया था उन्होंने, या 5 मिलियन पीपल जो है बस ट्रैवल करते हैं रोज़। कि वहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए क्या मुंबई के अंदर वो स्मार्ट सिटी एक बन रहा है, जो एक सॉरी एक नया सिटी बन रहा है, नया मुंबई सिटी बन रहा है, नवी मुंबई सिटी बन रहा है, ताकि वो जो लोग नहीं वहाँ पर और जैसे सोचते तो वहाँ पर और लोग जाएंगे, वहाँ पर 80 लाख तक लोग रह सकेंगे। और इस तरह और सिटीज बनाने की बनाई जा रही हैं। और एक इनकी है कि कनेक्टिविटी कर रहे हैं, 6 लेन ये एक ब्रिज बनाने लगे हैं ऑन द सी, तो कनेक्टिविटी करने के लिए मुंबई की आपस में, जहाँ से वो नहीं होती होगी। और ये इवन के इनका ये मसला क्या है, वो जो इनका है ट्रेन का मसला, कि जो उनकी मेट्रो चलती हैं तो वो उस पर वो कह रहे हैं काम होने वाला, वो हो रहा है कि मेट्रोज बन रही है ताकि वो लोगों के लिए ट्रैवल करना ज्यादा आसान हो। और एक और चीज मैंने देखी है जो कि मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं की थी, वो ये है कि यहाँ पर मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया भी है। स्लम एरिया बहुत ज्यादा है, उसको भी ठीक करने की वो ये कह रहे हैं कि मुंबई के ऊपर इसलिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है क्योंकि मुंबई को वर्ल्ड के लेवल के ऊपर एक पूरे वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज सिटी करने के लिए हमें उन स्लम एरियाज को भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल एक ये भी रीजन होता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, और मुंबई की इटसेल्फ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए भी डेवलपमेंट है वहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलेशन के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन की वजह से कुछ एरिया स्लम एरिया है, मुंबई में स्लम्स हैं, तो उसको भी रीडेवलप वो किया जाएगा, उनको उसको बेहतर किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा और एरियाज को ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उसका वो हल निकालेंगे, या कोई फ्लैट सिस्टम कर देंगे ताकि वो सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई देता है, वो उन सिटीज में शामिल होता है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है इंडिया के अंदर। तो वहाँ पर सारे बिलियनर्स मिलियनर्स रहते हैं, और वो जगह भी इतनी महंगी है रहने के लिए, वो ये बताते हैं वहाँ पे घर खरीदना भी कह रहा था कि बहुत मुश्किल है, प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव है। ये बात तो है, देखकर हमें पता चला है, और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, और काफी कुछ जानने को पता चला जो कि हमें पहले शायद नहीं पता था, तो काफी चीजें हमें और एड ऑन हुई हैं। सो गाइस, यही थी हमारी वीडियो आज की, और यही था हमारा रिएक्शन आज का। आई होप सो कि आप लोगों ने पसंद किया होगा रिएक्शन, अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।